रविवार को आईपीएल 2021 का दूसरा फेज शुरू हो गया। दूसरे फेज में वो चार बल्लेबाज जिन पर भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की नजरें होगी, उन सब के बारे में सहवाग ने बात की है। ये चार बल्लेबाज वो होंगे जिन्हें सहवाग इस सत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना चाहेंगे। सहवाग ने कहा कि मुंबई इंडियंस के ईशान किशन, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के देवधर पड्डीकल, पंजाब के कप्तान केएल राहुल और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन की बैटिंग को देखना सबसे अधिक पसंद करेंगे। सहवाग ने इन चारों में से किसी एक को चुनने के सवाल पर पहले किशन को चुना, लेकिन बाद में उन्होंने पड्डीकल का नाम लिया। सहवाग ने कहा, मेरी पहली पसंद ईशान किशन होगे और उनके बाद पड्डीकल, केएल राहुल और संजू सैमसन का भी नाम होगा। मुझे पड्डीकल को बैटिंग करते देखना पसंद है और अगर इन चारों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं देवदत्त पड्डीकल का नाम ही लूंगा। सहवाग ने आगे बात करते हुए कहा, अगर पड्डीकल आरसीबी की तरफ से आईपीएल 2021 के बचे हुए 7-8 मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इस बात की संभावना अधिक है कि उनका नाम टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टी20 टीम में शामिल किया जाए। बता दें कि कुछ ही महीनों पहले श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में पड्डीकल को टीम में जगह मिली थी। हालांकि पड्डीकल श्रीलंका में बल्लेबाजों के लिए मुश्किल विकेट पर अधिक रन नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने अपने खेल के इंटेंट से सभी को प्रभावित किया था। लेकिन इसके बावजूद सहवाग को ऐसा लगता है कि पड्डीकल आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर टी20 टीम में जगह बना सकते हैं।